इनेलो जिला प्रधान सतेंद्र सिंह टोनी ने माणकपुर देवीलाल और चाणक्यपुरी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की समस्याओं को सुना। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो जिला अध्यक्ष सतेंद्र सिंह टोनी ने माणकपुर देवीलाल गांव और कॉलोनी में समस्याएं सुनने के बाद कालका पिंजोर रेलवे फाटक के समीप ड्रीम वर्ल्ड के पीछे कॉलोनी में चाणक्यपुरी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों की समस्याओं को सुना। एसोसिएशन के सदस्यों ने यहां गलियों और सड़कों की समस्याएं उठाई, साथ ही बिजली सीवरेज की समस्याओं को भी उठाया और इनका समाधान करने की मांग की। लोगों ने इनेलो जिला प्रधान सतेंद्र सिंह टोनी को कहा कि जिस तरह से पहले उन्होंने वार्ड और हलके के काम करवाए हैं, उसी तरह इस कॉलोनी की भी समस्याओं को जल्द उठाएँ और यहाँ की समस्याओं का हल करवाएँ। इनेलो जिला प्रधान सतेंद्र सिंह टोनी ने लोगों की कॉलोनी की समस्याओं का समाधान करवाने का भरोसा दिलाया। एसोसिएशन के सभी सदस्यों और लोगों ने इनेलो जिला प्रधान सतेंद्र सिंह टोनी को अपना समर्थन दिया। वहीं जिला अध्यक्ष सतेंद्र सिंह टोनी ने भी एसोसिएशन का धन्यवाद किया और उनके समक्ष उन्होंने समस्याओं को रखा। इसके लिए उन्होंने कहा कि जल्द ही उनकी समस्याओं का हल करवाया जाएगा। आप हमारे यहाँ शहर में आ गए, कोई किन्नौर से आया, कोई कहीं से आया, यहाँ बस रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि हमारा शहर भी एक पूरी उसके ऊपर जा रहा है। ये शहर हमारे सामने ही बना है जी सारा। मैं यहीं का पैदाइशी हूँ, मेरा जन्म यहीं का पिंजौर में। पहले तो मैं नगर पालिका, मेरे पिताजी पहले पंच बने यहाँ, फिर सरपंच बने, फिर चेयरमैन रहे नगर पालिका के, फिर मैं दो बार पार्षद रहा हूँ यहाँ। इस बार मैंने MLA का इलेक्शन भी लड़ा था यहाँ से, चलो वो तो एक भाग्य की बात है, हमारी पार्टी ने हमें टिकट दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने यहाँ आकर अपने मकान बनाए और डेवलपमेंट किए। मेरे पास जो भी यहाँ से जाता है तकरीबन ये वार्ड मेरे साथ ही पड़ता है, अब्दुल्लापुर रथ का मोर्चा, तो मैं सभी के एक दो आपके एक नॉर वालों की यहाँ डेथ की हुई थी, उनकी रिपोर्ट भी मैंने करके दी थी, ये मेरा फर्ज था। तो मैं दो बार पार्षद रहा हूँ, ये रथपुर कॉलोनी में मेरा घर, वहीं पर मेरी चक्की है। अगर किसी भी भाई को किसी टाइम भी एनी टाइम कोई हो तो आप सीधे मेरे पास आ।